सो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, रियलमी कंपनी लगातार धमाल मचाती जा रही है। सेम दोस्तों ऐसे ही वीवो कंपनी, वैसे आप लोगों को पता ही होगा ओप्पो और रियलमी कुछ सेम जैसे ही फीचर्स निकालते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर रियलमी कुछ हटके करने वाला है। हटके का मतलब दोस्तों ये है, रियलमी यहाँ पर एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है जिसका नाम है रियलमी GT नियो ड्रैगन बॉल। और ये एक ऐसी एडिशन होने वाली है जो कि दोस्तों थोड़ी कार्टूनिस्ट टाइप देखने के लिए मिलेगी और थोड़ा मस्त होगा। मेन इनका फीचर होगा वैसे गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए। अभी जो भी है दोस्तों सब कुछ एक्सपेक्टेड चल रहा है, जिसकी लॉन्च डेट दोस्तों कुछ बताई गई है, जनवरी के एंड तक या फिर फरवरी के मिड तक ये स्मार्टफोन लॉन्च हो जाएगा। वैसे रियलमी वालों ने खास ये बात तो बताई नहीं है कि कब तक लॉन्च होगा, लेकिन फिर भी दोस्तों ये रियलमी का जो फोन है वो बहुत मस्त होने वाला है। जैसे इसके अंदर दोस्तों अभी स्मार्टफोन से रिलेटेड क्या लिखा है, 6.62 इंचेस तक की फुल HD+ डिस्प्ले देखने वाली है, जिसके अंदर आपको क्या चीज़ मिलेगी, सुपर एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज़ तक के रिफ्रेश रेट के साथ। मतलब गेमिंग एक्सपीरियंस से सबसे ज़्यादा चीज़ हमारे को चीज़ चाहिए होती है स्मार्टफोन का डिस्प्ले। अब डिस्प्ले इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा 120 हर्ट्ज़, जो कि दोस्तों सिंपल 120 हर्ट्ज़ है, जिसके अंदर आप गेमिंग केवल 90 हर्ट्ज़ तक कर सकते हो। बाकी वीडियो क्वालिटी और कुछ मतलब पबजी वगैरह या फिर जो भी आप खेलते हो, कॉल ऑफ ड्यूटी या फिर ना भी खेलते हो, मतलब जो भी आप चीज़ करते हो, तो 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट आपके लिए हर मामले में बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हर चीज़ सिर्फ इसी चीज़ पर बेस्ड नहीं रहती, इसी के अंदर आपको कुछ नई चीज़ें भी देखने के लिए मिलेगी, जैसे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 वाला चिपसेट, जो कि दोस्तों यहाँ पर आपको जो सिंपल वेरिएंट देखने के लिए मिलेगा ना, वो आपको 12 GB तक का देखने के लिए मिलेगा। और ये स्मार्टफोन केवल एक ही लॉन्च होगा, मतलब इसकी कोई सीरीज नहीं आने वाली, केवल एक ही स्मार्टफोन आएगा, 12 GB रैम, 256 GB इंटरनल स्टोरेज। इसी के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 870 का सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। जब ये चीज़ और 120 हर्ट्ज़ तक का रिफ्रेश रेट, जब दोनों चीज़ें दोस्तों मिक्स होती है ना, तो हमारे को एक बहुत अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलता है। और वहीं पर अगर बात आई फोन में अच्छा कैमरा भी होना चाहिए, तो यहाँ पर आपको 64 MP का एक प्राइमरी कैमरा देखने के लिए मिल रहा है। अब ये जो प्राइमरी कैमरा है दोस्तों, आपको केवल एक ही नहीं, केवल 3 कैमरे देखने के लिए मिलेंगे, 8 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 MP का मैक्रो लेंस। अब जो प्राइमरी कैमरा है वो दोस्तों आपको क्वालिटी बहुत अच्छी देगा। वहीं फ्रंट में आपको देखने के लिए मिलेगा 16 MP का पंच होल वाला कैमरा, जो कि दोस्तों आपको यहाँ पर सेल्फी लेने के लिए काम आएगा। बैटरी बैकअप से रिलेटेड बात करें तो दोस्तों 5000 mAh तक की बैटरी देखने के लिए मिलेगी 65 W के फास्ट चार्जर के साथ, जो कि आपको 48 घंटे तक का यहाँ पर बैटरी बैकअप देगा। और कंपनी का ये दावा है कि आधे घंटे के अंदर पूरा का पूरा फोन चार्ज हो जाएगा। और अगर अब दोस्तों बात करें ये स्मार्टफोन की लीक कौन से स्मार्टफोन से मैच करती है, तो इसका जो स्मार्टफोन है ये दोस्तों रियलमी GT नियो 2, आपने नाम सुना होगा, सेम उसी से मैच कर रही है, रियलमी GT ड्रैगन बॉल जी एडिशन। ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं है, बस ये वाला इसके अंदर ड्रैगन बॉल जी एडिशन जोड़ दिया, जिसके अंदर कुछ गोकू के, गोहान के, मतलब जो भी वो कैरेक्टर्स होते हैं सारे के सारे मैच रहेंगे। कवर पीछे से चेंज हो जाएगा, एक मस्त कवर भी दिया गया होगा। और दोस्तों इसका एक्सपेक्टेड प्राइस जो बताया जा रहा है लगभग 35,000 तक बताया जा रहा है। बाकी फोटो वाइज, ट्रेलर वाइज मैंने आपको सब कुछ लुक वुक बता दिया और पूरा फोन एक्सप्लेन कर दिया। स्मार्टफोन से रिलेटेड अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।